हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ साइलेंट पढ़ाई पर। इस वीडियो में हम आर्टिकल 20 को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल साइलेंट पढ़ाई को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है आर्टिकल 20। तो इसमें जो प्रोविजन लिखा हुआ है वो है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ओके, तो जैसे देखने से पता चल रहा है ये आर्टिकल हमें किसी तरह का प्रोटेक्शन देता है, पर किस तरह का। ओके, तो ऑफेंसेस का मतलब होता है अपराध और कन्विक्शन का मतलब होता है उस अपराध की सिद्धि, उसे किस तरह से सिद्ध किया जा सकता है। ओके, तो उसके रिस्पेक्ट पे क्या क्या हमें प्रोटेक्शन मिलता है, तो चलिए देखते हैं। ये जो आर्टिकल 20 है ये हमें प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट आर्बिट्री और एक्सेसिव पनिशमेंट के अगेंस्ट। ओके, मतलब किसी भी तरह का मनमाना पनिशमेंट या फिर ज्यादा पनिशमेंट, ठीक है, जो कि लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आर्टिकल 20 इनके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन देता है। और ये जो प्रोटेक्शन है वो किसी भी सिटीजन, फॉरेनर, लीगल पर्सन, जिस तरह की कंपनी, कॉर्पोरेशन, इन सभी तक एक्सटेंड है। मतलब कि ये सिर्फ हमारे सिर्फ सिटीजन तक एक्सटेंड नहीं है, ये फॉरेनर तक भी एक्सटेंड है। और कोई लीगल पर्सन हो गया, जैसे कि कोई कंपनी या फिर कोई कॉर्पोरेशन, तो उन्हें भी ये आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन मिलती है। आर्टिकल 20 के अंदर कुल मिला के 3 प्रोविजंस हैं, यही 3 प्रोविजंस आर्टिकल 20 की जान है। तो देखते हैं आर्टिकल 20 में जो पहला प्रोविजन है वो है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। तो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं जिसे समझने की जरूरत है, एक है एक्स और एक है पोस्ट। एक्स का मतलब होता है पुराना, पोस्ट का मतलब होता है बाद का, और ठीक है। तो किसी भी तरह का वैसा लॉ नहीं होना चाहिए जो कि पुराना हो या फिर बाद का हो। मतलब क्या है कि किसी भी पर्सन को किसी भी अपराध के लिए अगर कोई पनिशमेंट दी जाएगी तो वो उस लॉ के अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी जाएगी जब उसने वो अपराध किया था। ओके, तो उसके अपराध के समय में जो लॉ इन्फोर्स था उसी के अकॉर्डिंग उसे पनिशमेंट दी जाएगी। कोई बात का लॉ या फिर कोई पुराना लॉ उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। ओके, और इसके अंदर दूसरा प्रोविजन क्या है कि लॉ के अकॉर्डिंग जो पेनल्टी प्रिस्क्राइब की गई है, ठीक है, उससे ज़्यादा की पेनल्टी दी नहीं जाएगी। मतलब कि अगर लॉ के अकॉर्डिंग सज़ा अगर 5 साल की है तो 5 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं होगी। अगर जुर्माना 1 लाख रुपए का है तो 1 लाख रुपए से ज़्यादा का जुर्माना वो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और ये और जो लॉ इन्फोर्स है अपराध के टाइम पे उसी लॉ के अकॉर्डिंग जो है पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन ये जो लिमिटेशंस दी गई है ये सिर्फ क्रिमिनल लॉ के अंदर ही इम्पोज हो सकती है। ये जो प्रोटेक्शन हमें मिला है ये सिर्फ क्रिमिनल लॉ पर ही मिल सकता है, ना कि सिविल और टैक्स लॉ। अभी क्रिमिनल लॉ के अंदर क्या आते हैं, किसी का मर्डर हो गया, रॉबरी हो गई, चोरी हो गई, डकैती हो गई, तो ये सारी क्रिमिनल लॉ है और इन पर हमें प्रोटेक्शन मिला है। लेकिन सिविल लॉ जैसे हो गया, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं हुआ या फिर टैक्स रिलेटेड लॉ, इन पर ये जो फंडा है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का, ये इसमें काम नहीं करेगा। ओके, देखते हैं अब क्या है कि ये जो प्रोविजन है, ठीक, ये जो प्रोविजन है ये हमें प्रोटेक्शन देता है सिर्फ एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉ के अगेंस्ट, ना कि ट्रायल के अगेंस्ट। मतलब हम अगर किसी कोर्ट में जाते हैं, ओके, तो कोर्ट में हमें इस तरह का प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन ट्रायल के दौरान डिपार्टमेंटल ट्रायल हो गया या फिर कस्टडी हो गई तो उसमें हमें इस तरह का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। जो दूसरा प्रोविजन है वो है नो डबल जियोपार्डी। जियोपार्डी का मतलब होता है पनिशमेंट, सजा। तो दोबारा सजा नहीं मिलेगी, मतलब किसी भी पर्सन को, चाहे वो किसी भी अपराध के लिए, उसे एक बार से अधिक पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। एक ऑफेंस के लिए, एक अपराध के लिए उसे एक बार से अधिक सजा नहीं दी जाएगी। और ये जो प्रोटेक्शन हमें मिला है अगेंस्ट जियो डबल जियोपार्डी के अगेंस्ट, ठीक है, ये सिर्फ कोर्ट के सामने ही है। मतलब कोर्ट एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक सजा नहीं दे सकता। लेकिन अगर कोई डिपार्टमेंटल ट्रायल हो रहा है, कोई डिपार्टमेंटल कस्टडी में है, अरेस्ट हुआ है, तो इन पर ये काम नहीं चलेगा। ओके, मतलब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अगर कोई बैठती है तो वो जुडिशियल नेचर की नहीं होती है, इसलिए उसके सामने ये नो डबल जियोपार्डी का कॉन्सेप्ट उसके सामने नहीं लगता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है वो है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है दोषी ठहराना, ठीक है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है खुद को दोषी ठहराना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी पर्सन को, चाहे वो किसी भी अपराध के लिए उसे दोषी ठहराया गया हो, ठीक है, लेकिन उसको खुद के खिलाफ दोषी ठहराने में मजबूर नहीं किया जाएगा। ओके, मतलब ऐसा कुछ प्रूफ हो चुका है कि नहीं इसने काम किया, लेकिन उसको मजबूर नहीं किया जाएगा कि तुम खुद के अगेंस्ट जो है खुद को दोषी ठहराओ। और ये जो प्रोटेक्शन मिला है अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, खुद को दोषी ठहराने के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन मिला है वो ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तक एक्सटेंड करता है। ओके, मतलब किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो गवाही दे या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स जो है वो जो है एविडेंस के रूप में सामने रखे। लेकिन ये जो प्रोटेक्शन है वो कुछ चीज़ों में एक्सटेंड नहीं है, जैसे कि
अगर कोई मेलेट किसी पर्सन के पास किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट है ओके तो उसका उसे कंपलसरी प्रोडक्शन करना पड़ सकता है, थंब इम्प्रेशन देना पड़ सकता है, सिग्नेचर करना पड़ सकता है, ब्लड स्पेसिमेन के लिए उसे पर कंपलसरी कर किया जा सकता है, या फिर उसकी बॉडी की जांच के लिए कंपल्शन उसे किया जा सकता है ओके। तो दोस्तों ये था ये तीन प्रोविजंस आर्टिकल 20 के बारे में। अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल साइलेंट प्राइड को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए कि आपने डिसलाइक क्यों किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।